गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC के चुनाव की हुई घोषणा। 1 दिसंबर को होगा मतदान और 3 दिसंबर को होगी मतगणना। रिटर्निंग ऑफिसर जयंत नालिकर ने दी जानकारी। कहा, गोरखपुर फैजाबाद खंड के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता हुआ लागू। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी ने कहा, धान क्रय केंद्रों पर किसान बेच सकते हैं अपना धान। किसानों के धान के मूल्य का 72 घंटों में होगा भुगतान। STF ने IPL में सट्टा लगाने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा। गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 70,000 रुपये, ज्वेलरी, 5 मोबाइल फोन, रजिस्टर, डायरी, आधार कार्ड और पैन कार्ड किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, जनपद में नहीं है उर्वरक की कोई कमी। किसान उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं खाद। कालाबाजारी करने वाले पर दर्ज होगा FIR। ठेका और नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करने वाले 2 सगे भाइयों को क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर करीब 2.5 करोड़ रुपए वसूलने का है आरोप। अवैध रूप से संचालित 3 हॉस्पिटल और 1 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर SDM सदर ने की लाइव छापेमारी, किया सील। CMO को पत्र लिखकर कार्रवाई के दिए निर्देश। जिले के धुरियापार क्षेत्र में बनेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। DM ने कहा, औद्योगिक विकास को भी मिलेगी गति। पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट कर उतारा मौत के घाट। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या आरोपी पति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी ने लोगों से की अपील। कहा, मनाएं ग्रीन दीपावली, पटाखे छोड़ें लेकिन मरीजों का रखें ध्यान। गरीबों की करें मदद जिससे वो भी मना सके दीपावली। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय पोषण समिति व डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस प्लान की समीक्षा बैठक। कहा, स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज के होते हैं आधार। कोई बच्चा ना हो कुपोषित। SDM सदर ने विकास खंड बटट के धान क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। कहा, क्रय केंद्र पर उपलब्ध रखें सभी सुविधाएं, किसानों को ना होने पाए कोई दिक्कत। पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा यातायात माह के तहत चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के काटे गए चालान। यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। पुलिस कर्मियों के बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस लाइन में खोला वामा सारथी पुलिस रीडिंग रूम। DIG और SSP के धर्मपति ने किया उद्घाटन का। स्टडी रूम में बच्चे कर सकेंगे बेहतर स्टडी। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोरखपुर इकाई के 9 निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। SDM सदर ने दिलाई 9 गठित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ। ठंड शुरू होते ही जिला अस्पताल में बढ़ने लगे हड्डी रोग के मरीज। आर्थो सर्जन ने कहा, हड्डी रोगी मरीजों को ठंड से करना होगा बचाव। करें डॉक्टर द्वारा सुझाए विशेष व्यायाम प्राणायाम। गोरखपुर में सोमवार को मिले 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,077। अब तक 308 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 643। CMO डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की पुष्टि। बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले दर्जनों बुनकरों ने फ्लैट रेट बहाल करने के लिए किया धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। 4 सूत्री मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के BEd द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर छात्रों ने कुलपति को प्रेषित किया ज्ञापन। 15 नवंबर से पहले परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग।